गोरखपुर मंडल के सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और जनप्रतिनिधियों के साथ संगठनात्मक बैठक करने आए भाजपा के प्रदेश प्रभारी व पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने रविवार को सर्किट हाउस के सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में खेल से लेकर स्वास्थ्य, जल से जमीन की बात पर चर्चा की, जिसके संबंध में भाजपा प्रभारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वायरस कठिनाइयों और उसके समाधान पर विशेष रूप से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना और वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को महोत्सव के रूप में मनाएंगे। ऐसे अवसर पर हिंदुस्तान के जन जन में ये भाव आए कि हमारा देश महान है, हमारे पुरखों ने आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी चर्चा हर जगह हो, सबके मन में एक भाव हो, जब हम 100वीं आज़ादी की वर्षगांठ मनाएं उस वक्त भारत कैसा होगा। शक्तिशाली भारत के निर्माण में हम सब एकजुट रहकर काम करें और मन में बैठा लें कि सबसे पहले देश है, उसके बाद ही कुछ और है। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, सांसद रवि किशन शुक्ला, कमलेश पासवान, विधायक विमलेश पासवान, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विपिन सिंह, शीतल पांडे, महेंद्र पाल सिंह, संत प्रसाद, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, महामंत्री प्रदीप शुक्ला, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, जिला प्रभारी पूर्व सांसद नीलम सोनकर, पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री चिरंजीवी चौरसिया, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर बच्चा पांडे, नवीन, महानगर महामंत्री देवेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा, मन की बात में आपके प्रश्नों की बुझार रहती है। इस बार मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। मैं आपसे प्रश्न करूं, ध्यान से सुनिए मेरे सवाल। ओलंपिक में इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? ओलंपिक के कौन से खेल में भारत ने अब तक सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? साथियों, आप मुझे जवाब भेजे न भेजे पर माय गॉव में ओलंपिक्स पर जो क्विज है उसमें प्रश्नों के उत्तर देंगे तो कई सारे इनाम जीतेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न माय गॉव के रोड टू टोक्यो क्विज में है। आप रोड टू टोक्यो क्विज में भाग लें। भारत ने पहले कैसा परफॉर्म किया है हमारी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, अब क्या तैयारी है, ये सब खुद जाने और दूसरों को भी बताएं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस क्विज कंपटीशन में जरूर हिस्सा लीजिए। साथियों, जब बात टोक्यो ओलंपिक्स की हो रही हो तो भला मिल्खा सिंह जी जैसे लेजेंडरी एथलीट को कौन भूल सकता है? कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था, मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी, लेकिन दुर्भाग्य से नियति को कुछ और मंजूर था। मुझे आज भी याद है 2014 में वो सूरत आए थे, हम लोगों ने एक नाइट मैराथन का उद्घाटन किया था। उस समय उनसे जो गपशप हुई, खेलों के बारे में जो बात हुई, उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली थी। हम सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह जी का पूरा परिवार स्पोर्ट्स को समर्पित रहा है, भारत का गौरव बढ़ाता रहा है।
साथियों, जब टैलेंट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलते हैं, तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। गांवों से निकलकर जाते हैं, टोक्यो जा रहे ओलंपिक दल में भी कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है। हमारे प्रवीण जाधव जी के बारे में आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कितने कठिन संघर्षों से गुजरते हुए प्रवीण जी यहाँ पहुंचे हैं। प्रवीण जाधव जी महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक गांव के रहने वाले हैं। वो आर्चरी के बेहतरीन खिलाड़ी ओलंपिक्स खेलने टोक्यो जा रहा है। ये सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं, हम सभी के लिए कितने गौरव की बात है। ऐसे ही एक और खिलाड़ी है हमारी नेहा गोयल जी। उनकी माँ और बहने साइकिल की फैक्ट्री में काम करके परिवार का खर्च जुटाती है। नेहा की तरह ही दीपिका कुमारी जी के जीवन का सफर भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दीपिका के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं, एकमात्र महिला तीरंदाज है। कभी विश्व की नंबर एक तीरंदाज रही दीपिका के साथ हम सबकी शुभकामना है। साथियों, जीवन में हम जहां भी पहुंचते हैं, जितनी भी ऊंचाई प्राप्त करते हैं, जमीन से ये जुड़ाव हमेशा हमें अपनी जड़ों से बांधे रखता है। खिलाड़ियों ने बचपन में साधनों संसाधनों की हर कमी का सामना किया, लेकिन वो डटे रहे, जुटे रहे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी जी का जीवन भी बहुत सीख देता है। प्रियंका के पिता बस कंडक्टर हैं। बचपन में प्रियंका को वो बैग बहुत पसंद था जो मेडल पाने वाली खिलाड़ियों को मिलता है। इसी आकर्षण में उन्होंने पहली बार रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। जी, बनारस के रहने वाले शिवपाल जी का तो पूरा परिवार ही इस खेल से जुड़ा हुआ है। इनके पिता, चाचा सभी भारत में एक्सपर्ट है। परिवार की यही परंपरा उनके लिए टोक्यो ओलंपिक्स पर काम आने वाली और उनके पार्टनर सात्विक साईराज का हौसला भी प्रेरित करने वाला है। हाल ही में चिराग के नाना जी का कोरोना से निधन हो गया था। सात्विक भी खुद पिछले साल कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन इन मुश्किलों के बाद भी ये दोनों मेंस डबल शटल कंपटीशन में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की तैयारी। मनीष जी खेती किसानी वाले परिवार से आते हैं। बचपन में खेतों में काम करते करते मनीष को बॉक्सिंग का शौक हो गया था। आज ये शौक उन्हें टोक्यो ले जा रहा है। एक और खिलाड़ी है सीए भवानी देवी जी, नाम भवानी है और ये तलवारबाजी में एक्सपर्ट है। चेन्नई के रहने वाली भवानी पहली भारतीय फेंसर है जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। कुछ ही नामों का जिक्र कर पाया। टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, वर्षों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि देश के लिए जाना बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। और इसलिए मेरे देशवासियों, में आपको भी सलाह देना चाहता हूँ, हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना है, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है, हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर आप हैशटैग चीयर फॉर इंडिया के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप कुछ और भी इनोवेटिव करना चाहें तो वो भी जरूर करें। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो हमारे खिलाड़ियों के लिए देश को मित्र करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई जारी है, लेकिन इस लड़ाई में हम सब साथ मिलकर कई असाधारण मुकाम भी हासिल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश ने एक अभूतपूर्व काम किया है। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत की और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया और वो भी एक दिन में।
इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी एक दिन में, स्वाभाविक है, इसकी चर्चा भी खूब हुई है। साथियों, एक साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं, और यही तो नए भारत की ताकत है। साथियों, मेडिसिन की दुनिया के सबसे सम्मानित लोगों में से एक हिप्पोक्रेट्स ने कहा था, Wherever the art of medicine is love, there is also a love of humanity. यानी जहां आर्ट ऑफ मेडिसिन के लिए प्रेम होता है, वहां मानवता के लिए भी प्रेम होता है। डॉक्टर्स इसी प्रेम की शक्ति से ही हमारी सेवा कर पाते हैं। इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हम उतने ही प्रेम से उनका धन्यवाद करें, उनका हौसला बढ़ाएं। वैसे हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। श्रीनगर से एक ऐसे ही प्रयास के बारे में मुझे पता चला। यहाँ डल झील में एक बोट एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई। इस सेवा को श्रीनगर के कारी अहमद पटलू जी ने शुरू किया, जो एक हाउस बोट ओनर है। उन्होंने खुद भी कोविड-19 से जंग लड़ी है, और इसी से उन्हें एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए प्रेरित किया। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई की एक बड़ी विशेषता है, इस लड़ाई में देश के हर व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई है। मैंने मन की बात में अक्सर इसका जिक्र किया है, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत भी रहती है कि उनके बारे में उतनी बात नहीं हो पाती है। अनेक लोग, चाहे बैंक स्टाफ हो, टीचर्स हो, छोटे व्यापारी या दुकानदार हो, दुकानों में काम करने वाले लोग हो, रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हो, सिक्योरिटी वॉचमैन या फिर पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, दरअसल यह लिस्ट बहुत ही लंबी है, और हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई है। शासन प्रशासन में भी कितने ही लोग अलग अलग स्तर पर जुटे रहे हैं। साथियों, आपने संभवतः भारत सरकार में सचिव रहे गुरुप्रसाद महापात्र जी का नाम सुना होगा। मैं आज मन की बात में उनका जिक्र भी करना चाहता हूँ। गुरुप्रसाद जी को कोरोना हो गया था, वो अस्पताल में भर्ती थे और अपना कर्तव्य भी निभा रहे थे। देश में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़े, दूर सुदूर इलाकों तक ऑक्सीजन पहुंचे, इसके लिए उन्होंने दिन रात काम किया। एक तरफ कोर्ट कचहरी का चक्कर, मीडिया का प्रेशर, एक साथ कई मोर्चों पर वो लड़ते रहे। बीमारी के दौरान उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। मना करने के बाद भी वो जीत करके ऑक्सीजन पर होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हो जाते थे। देशवासियों की इतनी चिंता थी उन्हें, वो अस्पताल के बेड पर खुद की परवाह किए बिना देश के लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इंतजाम में जुटे रहे। हम सबके लिए दुखद है कि इस कर्मयोगी को भी देश ने खो दिया है। कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया है। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनकी चर्चा कभी हो नहीं पाई। ऐसे हर व्यक्ति को हमारी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं, हम देश के लिए जीना सीखें। आजादी की जंग देश के लिए मरने वालों की कथा है। आजादी के बाद के समय को हमें देश के लिए जीने वालों की कथा बनाना है। हमारा मंत्र होना चाहिए इंडिया फर्स्ट। हमारे हर फैसले, हर निर्णय का आधार होना चाहिए इंडिया फर्स्ट। साथियों, अमृत महोत्सव में देश ने कई सामूहिक लक्ष्य भी तय किए हैं, जैसे हमें अपने स्वाधीनता सेनानियों को याद करते हुए उनसे जुड़े इतिहास को पुनर्जीवित करना है। आपको याद होगा कि मन की बात में मैंने युवाओं से स्वाधीनता संग्राम पर इतिहास लेखन करके शोध करने इसकी अपील की थी। मकसद ये था कि युवा प्रतिभाएं आगे आए, युवा सोच, युवा विचार सामने आए, युवा कलम नई ऊर्जा के साथ लेखन करे। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही कम समय में 2500 से ज्यादा युवा इस काम को करने के लिए आगे आए हैं। साथियों, दिलचस्प बात यह है, 19वीं 20वीं शताब्दी की जंग की बात तो
आमतौर पर होती रहती है, लेकिन खुशी इस बात की है कि 21वीं सदी में जो युवा पैदा हुए हैं, 21वीं सदी में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे मेरे नौजवान साथियों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी की आजादी की जंग को लोगों के सामने रखने का मोर्चा संभाला है। इन सभी लोगों ने माइगोव पर इसका पूरा ब्यौरा भेजा है। ये लोग हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ा, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती, ऐसी देश की अलग अलग भाषाओं में स्वाधीनता संग्राम पर लिखेंगे। कोई स्वाधीनता संग्राम से जुड़े रहे, अपने आसपास के स्थानों की जानकारी जुटा रहा है, तो कोई आदिवासी स्वाधीनता सेनानियों पर किताब लिख रहा है। एक अच्छी शुरुआत है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अमृत महोत्सव से जैसे भी जुड़ सकते हैं जरूर जुड़े। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आजादी के 75 वर्ष के पर्व का साक्षी बन रहे हैं। इसलिए अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे तो अमृत महोत्सव की और तैयारियों पर भी बात करेंगे। आप सब स्वस्थ रहिए, कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़िए। अपने नए नए प्रयासों से देश को ऐसे ही गति देते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की कठिनाइयों और उसके समाधान पर विशेष रूप से चर्चा की। कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना और वैक्सीनेशन, ये महत्वपूर्ण ऐसे विषय हैं जिस पर प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील की। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ भी हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर हिंदुस्तान के जन जन में भाव आए कि इंडिया फर्स्ट, और फिर हमारे पुरखों ने आज़ादी के लिए जो संघर्ष किए उनकी चर्चा हर जगह हो, सबके मन में एक भाव हो कि अगला जो 100वीं वर्षगांठ हम मनाएंगे उस समय तक का भारत क्या हो, शक्तिशाली स्वाभिमानी भारत के निर्माण में हम सब लोग एकजुट होकर काम करें और देश पहले, ये सबके अंतर मन में बैठे, इसका आग्रह प्रधानमंत्री जी ने किया।